दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। हजारों भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की पर्ची निकालेंगे। जय सियाराम, बागेश्वर धाम की। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। कथा में हजारों भक्त जुट रहे हैं। आज बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की पर्ची निकालेंगे। हम लोग वहाँ मध्य प्रदेश से कहते, भैया बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुँच जाए, लेकिन हम दिल्ली में बैठे इन पागलों से कहेंगे, तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुँच जाए। बाबा बागेश्वर ने चमत्कार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग चमत्कार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे में चमत्कार पाइए और पूरी समस्याओं का निपटारा ले जाइए। 1.5 मिनट नहीं लगेगा, पूरा हॉल खाली हो जाए। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विषता असरदार, तन्विषता टैबलेट्स, पूरा हॉल और तुरंत लेन में लग के। अब कई लोग तो बनियान फट जाए, कुर्ता फट जाए, पर वो चमत्कार चले। बाबा के दरबार में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। सांसद मनोज तिवारी कथा के दौरान मौजूद रहे और बाबा बागेश्वर ने कहा कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती है। बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है। हजारों भक्त कथा सुनने आ रहे हैं। बाबा ने दिल्ली में फ्री की राजनीति पर भी तंज कसा। बाबा ने कहा, कई बार फ्री से मिलने वाली चीजें बहुत ही घातक होती है। बाबा ने मुफ्त नाथ का उदाहरण दिया। यही पड़पड़गंज के चंगीला, यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते, कभी एक रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वा ली, पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। बाबा ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री में कुछ भी मिल जाए छोड़ते नहीं हैं, चाहे उन्हें लाइन में लगना क्यों ना पड़े, लात घूंसे क्यों ना खाना पड़े। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के हनुमान कथा सुनने आए लोगों ने क्या कहा है, ये देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का दिल्ली का पहला दिन, और देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, कथा सुनी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पूरे आईपी एक्सटेंशन में जय श्री राम, जय श्री राम। सुनी कथा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? रुचि शर्मा। आप कहाँ से? गाजीपुर। गाजीपुर, हाँ जी। कैसा लगा, क्या सुना कथा? बहुत अच्छा लगा। क्या समझ में आया? बस बहुत अच्छा लगा सुनने में। कल भी आएंगे? हाँ जी। बहुत कुछ सुना। कैसा लगा? जो आज तक नहीं सुना, बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी का चरित्र सुना? कुछ बदला मन में कुछ? जी थोड़ा बोला था, जो अपने घर गृहस्थियों से छोड़ के काम करना है, काम भी करो, अपना समय निकाल कर भगवान का नाम भी लो। जिसने इनको जन्म दिया उनको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा लगा हमारा। क्या कुछ अच्छा लगे, कौन सी बात उनकी सबसे अच्छी? मतलब सबसे अच्छा हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं, परम सब दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या सुनेंगे बताओ। हाँ, तो एक साथ भगवान जी ने दर्शन दे दिए। यहाँ के बाद आपके नोएडा में भी होने वाली, वहाँ भी जाओगे? हाँ वहाँ भी जाएंगे।